अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ये काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट की गई थी, मेरे भाई थे इंडिया से, आई एम सॉरी मैं आपका नाम एक्चुअली लिखना भूल गई हूँ, स्पेशली आप ही के लिए बना रही हूँ, थैंक यू फॉर द पेशेंस, मेरी कोशिश है मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट हैं। तो सबसे पहले जो रेसिपी है, दिस इज़ वनीला एंड मैंगो पेनाकोटा। चीज़ें आपको दिखा देते हैं, आपको चाहिए इसके लिए डबल क्रीम जो आपको आसानी से मिल जाती है, आपको चाहिए इसके लिए कैस्टर शुगर जो पिसी हुई चीनी होती है लेकिन पाउडर नहीं है, थोड़ी सी बारीक होती है। बीच में आपको चाहिए इसके लिए ठंडा पानी, दैट्स कोल्ड वाटर। जिलेटिन आपको चाहिए, ये हलाल है और मैं आपको अपने शॉप स्टोर के ऊपर, मेरा जो वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट जो आपके पास हैं वो आप डालेंगे। जो हमने इसके ऊपर टॉपिंग्स ही देनी है वो मैं मैंगो प्यूरी इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको बहुत आसानी से ये टिन्स में मिल जाती है, और अगर आपके पास नहीं है, टिन में नहीं है, ये नहीं मिल रही, तो सिंपल मैंगो को आप जो है ब्लेंडर में डाल के उसकी प्यूरी बना लें, वो है। गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिस्ताशियोज, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो है वो हमने जिलेटिन को ठंडे पानी में डालना है, तो इसमें ठंडा पानी है, आप इसके ऊपर यूँ स्प्रिंकल करते हैं जिलेटिन को, और आपने इसको तकरीबन 2-4 मिनट दे दें, आप देखेंगे खुद बा खुद ये फूलनी शुरू हो जाती है। ऑलरेडी अगर आप देख रहे होंगे तो ठंडे पानी में जाती है, इसकी एजेस देख लें काफ़ी फूल रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा फूलने का मौका देते हैं, गिव इट अबाउट 3-4 मिनट्स, और तब तक आपको दिखाते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहला काम, एक पैन लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपकी डबल क्रीम है, और ये तमाम को बीच में डाल दी, मेजरमेंट्स होती हैं तो हर चीज़ बीच में होनी चाहिए। बीच में जाएगा वनीला एसेंस, और बीच में जाएगी आपकी शुगर यानी कि चीनी। अब आपने करना कुछ यूं है कि आप चमचा यहाँ पर हिलाते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम पे रखें, और आपने इसको सिर्फ इतना कुक करना है कि ये नीचे लगना नहीं चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात ये कि इसमें आप देखेंगे कि ये जब बॉइलिंग हॉट नहीं इसको होना चाहिए, इसे वार्म होना चाहिए, और आपने इसको स्ट्रेट अवे रिमूव कर लेना है। तो इसको जो है बीच में शुगर को मेल्ट हो जाने दें और फ्लेम को मीडियम पर रख लें और चमचा हिलाते रहें, ये देख लें। आपने देखना सिर्फ ये है कि इट नीड्स टू बी हॉट यानी कि गर्म होना चाहिए, इसको आपने बॉयल पर नहीं आने देना, ये आपने ख्याल रखना है। तो ये हो चुका है यहाँ पर परफेक्टली गर्म, अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर देख लें क्रीम गर्म है, आप देख रहे हैं ये किस तरह फूल गया माशाल्लाह से। अब आपने जिलेटिन को इसके अंदर ऐड करना है और यूँ विस्क हिलाते रहें जब तक कि वो तमाम अच्छी तरह बीच में डिजॉल्व हो जाए। तो ये देख लें जिलेटिन कम्प्लीटली इसमें हो चुकी है मिक्सअप। अब आप क्या करेंगे, जो भी मोल्ड्स हैं, रेमिकन्स हैं, शीशे के बॉल्स हैं, जिसमें आपने इसको डालना है उसमें आप इसको यूं पोर करते हैं, ये देखें, और इसे आप रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। देखें यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताने लगी हूँ, अगर आप चाहें तो ये 2 घंटे में भी आसानी से जो है सेट हो जाता है। अगर आपको इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको एक दिन पहले बना लें और ओवरनाइट इसको आप फ्रिज में रहने देंगे, तो अगले दिन इसका बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आता है इंशाल्लाह से, आप देखेंगे। तो ये है कि मैं आपको दोनों रिजल्ट्स दिखाऊंगी, एक दिखाऊंगी 2 घंटे के बाद और दूसरा वाला इंशाल्लाह आपको 8 घंटे के बाद। तो ये देख लें 2 आवर्स में जब ये सेट होता है तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा वॉबली है, उसकी वजह होती है कि नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, बट दैट्स परफेक्टली फाइन, आप तब भी इसको डिश आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 8 आवर्स बाद सर्व करेंगे यानी कि ओवरनाइट बना करके रखेंगे तो फिर मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें ये मैंने सेट किया है 8 आवर्स के बाद और ये परफेक्टली जम चुका हुआ है। अगर आप इसको किसी और डिश में सर्व करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप इसको मोल्ड में से निकालना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने इसको आइसक्रीम के जो है मोल्ड में डाला था, तो अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक बोल ले लीजिएगा और उसमें आप ऐड करते हैं गर्म पानी, सिर्फ आपने इसको 5 सेकेंड देने, गर्म पानी जो है वो एक्चुअली कप को छूना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 5 सेकेंड्स के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ पानी गर्म होना चाहिए, कोई भी शार्प नाइफ ले लें और इसके सिर्फ अपने साइड्स पर यूं जाना है ताकि आप इसको सिर्फ सिंपली जो है रिलीज़ कर रहे हैं ताकि ये इजीली जो है प्लेट पर मोल्ड शेप के साथ आए। थोड़े से हाथ के साथ में आप इसको ये देखें माशाल्लाह किस तरह ये साइड छोड़ रहा है, ये कर लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए एक प्लेट, इसे बीच में से पहले रिमूव कर लेते हैं पानी में से, लिटिल बिट मेसी बट दैट्स फाइन, एक प्लेट ले लें और आप इसको यूं ऊपर से फ्लिप कर दें और ये देखें मोल्ड से आराम से बाहर आ जाता है। उसके बाद आपने इसको गार्निश करना है, अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो है मैंगो प्यूरी ड्रिजल कर दें,
थोड़ी सी डेकोरेशन के तौर पर इसके साइड्स पर डाल दें और बाकी ऊपर पिस्ताशियोज हम डालेंगे इस पर और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका वनीला का पेनाकोटा विद मैंगो। ज़रूर बनाइएगा, आपको तीन तरीके भी दिखा दिए हैं इसे सर्व करने के और टाइमिंग भी बता दी हुई है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।